जान गवाउण वाले किसानां दे जद विच फगवाड़ा विखे आम आदमी पार्टी वल्लों फगवाड़ा शहर दे वियारा विच कैंडल मार्च कढ़िया गया। इस कैंडल मार्च दे विच आम आदमी पार्टी दे सीनियर आगू दे मैंबर भारी गिणती विच शामिल होए ते जान गवाउण वाले किसानां नूं श्रद्धांजलि दित्ती गई। इस मौके आम आदमी पार्टी दे आगू संतोष कुमार गोगी ने लखीमपुर घटना अते खेती कानूनां नूं लै के केंद्र सरकार खिलाफ जम के भड़ास कढ़ी। इस दे नाल ही उन्हां केंद्र नूं अपील कीती है कि इस घटना दे विच दोषियां नूं गिरफ्तार कीता जावे तां जो लोकां नूं इंसाफ मिल सके। नाल ही उन्हां केंद्र सरकार नूं कहा कि खेती कानून रद्द कीते जाण तां जो देश विच हिंसात्मक माहौल ना पैदा होवे। फगवाड़ा न्यूज़ टीवी तों शरणजीत सिंह सोनी दी रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच रोस प्रदर्शन किते कैंडल मार्च किते मोदी सरकार ते योगी सरकार दे पुतले साड़ रही है, जिस दा सब तो वड्डा कारण अज लखीमपुर खीरी दे विच एक बहुत वड्डी दुर्घटना जिहड़ी वापरी आ, जिहड़ी जानबुझ के किसानां दा कतल कीता गया। क्योंकि एक जांच दा विशा वा, यह सोचण दा विशा वा। तुसीं देखो जिहड़ा उत्थों दा सांसद सी जिहदे बेटे ने यह कतल कीता वा, उस सांसद ने 26 तरीक नूं एक बयान दिता सी कि असीं इन्हां किसानां नूं अकल दवांगे, असीं इन्हां किसानां नूं दसांगे कि मोदी सरकार दे नाल मत्था किदां लाया जांदा जां योगी सरकार नाल किदां मत्था लाया जांदा। इनडायरैक्टली एक धमकी दित्ती सी तां किसानां ने गुस्से दे विच आ के इन्हां दा विरोध कीता सी जदों इह लखीमपुर दे विच आए सी। क्योंकि इनडायरैक्टली धमकी देण दा मतलब शरेआम गुंडागर्दी आ। जदों किसानां ने प्रदर्शन कीता तां आराम नाल जा रहे किसान जिहड़े काले झंडे दिखाउंदे सी तां उन्हां नूं उस गड्डियां दे थल्ले दरड़िया गया, गड्डियां दे थल्ले मारिया गया, जिहदे विच तकरीबन 10 व्यक्ति मारे गए और उहदे विच इक पत्रकार भाईचारे दे विचों भी एक व्यक्ति जिहड़ा मारिया गया। और बड़े अफसोस की गल है कि योगी सरकार की जिहड़ी गुंडागर्दी आ, अज तकरीबन एक साल हो गया जदों मनीषा भैन नूं एक साल पहला कतल कीता सी और उसनूं मार के लोकां नूं उसने एक सुनेहा दिता सी कि असीं डिक्टेटर हाँ। पर असीं दस देना चाहुंदे आ पंजाब दे लोक, ये जिहड़े किसान आ, मजदूर आ, व्यापारी आ, असी रल के लड़ाई लड़ांगे। अज तुसीं सानू कल्या कल्या मारन की कोशिश कर रहे हो पर तुहाडे मन दा वहम आ, असी इकट्ठे हाँ। यूपी दे अंदर एक मिसाल पैदा की है किसानां ने, पूरे देश दे विचों एक ही दिन दे विच बहुत वड्डा काफला यूपी दे विच पहुँच गया। पर उत्थों दी योगी सरकार ने उत्थों दे लीडरां नूं विरोधी पार्टियां दे नुमाइंदियां नूं जाण नहीं दिता, नज़रबंद कर दिता, जिहड़ी एक मिसाल आ कि अज डिक्टेटरशिप जिहड़ी हैगी तानाशाही जिहड़ी यूपी दे विच बहुत वड्डी राज कर रही आ। पर वह समा दूर नहीं जदों ये लोग इन्हां सरकारां नूं लाउणगे और अपना प्रशासन उत्थे बनाउणगे। असीं योगी सरकार नूं दस देना चाहुंदे आ ये किसान जिन्हां दे 700 लोग शहीद हो चुके आ, ये उदों नहीं डोले, ये लोग उदों नहीं डोले और अज तुहाडियां इन्हां कारवाइयां तों कदे डोलण वाले नहीं हैगे। आम आदमी पार्टी जदों तक भी साढ़े साज साहब आ इस किसानी अंदोलन दे नाल आ, व्यापारियों के नाल आ, मजदूरों के नाल आ, इन लोगों के नाल आ। असी दिन रात करके इस मोदी सरकार के गोडे लवावे क्योंकि इन्होंने सोचा वा कि शायद असी कल्या कल्या इन्हों खत्म कर देंगे, पर इन्हों दे मन का वहम आ। लखीमपुर खीरी दे विच एक इतिहास रचा जाऊगा कि जदों किसानों ने इत्थे अपने शहीद होए किसानों का बदला लिया, शहीद होए किसानों की पूर्ति की सी, और इस मोदी सरकार नूं आने वाले समय दे विचों केंद्र च जाना पऊगा और योगी सरकार नूं चलदियां जाना पऊगा। और इस करके असीं दस देना चाहुंदे हां कि योगी सरकार डरदे मारे एक डेढ़ दिन दे विच फटाफट किसानां दे नाल समझौता करन दी उसने कोशिश की आ। पर असीं मंग करदे हां कि जिहड़ा उस सांसद का लड़का हजे तक गिरफ्तार नहीं किया गया, वो एक महीने के अंदर अंदर उसनों गिरफ्तार करके जेल के अंदर सुटना चाहिए और जेडे व्यक्ति दोषी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।